तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी के एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने किसी भी फ़ोन के अंदर किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। कई कबार क्या होता है कि ऐसे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसको हम दिखाना नहीं चाहते किसी को भी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे आप उनको कैसे हाइड कर सकते हैं एंड उनको हम खुद ही देख सकते हैं ताकि सामने वाले को पता नहीं चले कि इसके अंदर कितने ऐप्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जैसे कि मैंने 3 ऐप्स को हाइड कर रखा है। तो सिंपल सा आप भी इसी प्रकार हाइड कर सकते हैं और ये डायरेक्ट फ़ोन की होम स्क्रीन से खुल जाएगा जो भी हम डायरेक्ट खोलना चाहेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरा बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद आपको अपनी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। आपका जो भी फ़ोन है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, तो सेटिंग्स अंदर ये सबके अंदर ये फीचर अवेलेबल होता है आजकल न्यू फ़ोन के अंदर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी वाला, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऐप्स लॉक्स, हाइड ऐप्स और प्राइवेट सेफ वाला एंड सिस्टम क्लोनर। जो कि सिस्टम क्लोनर का मैंने वीडियो बना दिया है पहले, आप उसको जाके देख सकते हो कि किसी फ़ोन के अंदर हम सिस्टम क्लोन कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम बता रहे हैं तो हाइड ऐप यानी ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, जो हाइड ऐप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी अपने फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगा रखा है तो ये पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि मैंने पासवर्ड लगा रखा है तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड एंटर कर दिया, अब आपको जिस भी ऐप को हाइड करना है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि मैंने ये कर रखे थे, एक बार इनको मैं अनहाइड कर देता हूँ एंड वापस जिसको मेरे को हाइड करना है, जैसे कि मेरे को हाइड करना है, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम को हाइड कर देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ, JioTV को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे कॉर्नर में देखो ऊपर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स, अब सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे चेंज एक्सेस कोड वाले पे क्लिक करना है और हमें कौन सा कोड लगाना है, जैसे कि हैज लगाया, उसके बाद एक 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 फिर हैज, ये कोड लगाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से डन कर देना है। डन करने के बाद अब मैं आपको बता दूँ, जो भी हमारे ऐप हैं वो हाइड हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो उनको कैसे खोल सकते हैं हम। आपको सिंपल सा यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, देखो आप ये देख सकते हो यहाँ से हमारी जो है ऐप दिखाई देना बंद हो चुके हैं। तो अब आपको उनको कैसे खोल सकते हैं, अब आपको यहाँ पे डायल पैड पे आना है। डायल पैड पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हैज लगाना है। हैज लगाने के बाद 111 फिर हैज लगाना है। जो भी हमारे ऐप्स हैं वो पूरे दिखाई देंगे एंड यहाँ से हम उनको यूज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जेन्युइनली तरीका है, किसी भी फ़ोन के अंदर आप ये हाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ओनली रियलमी के अंदर ही फ्रेंड्स, ये न्यू फ़ोन आ रहे हैं आजकल, वो सभी के अंदर ये फ्यूचर अवेलेबल है। आप किसी भी फ़ोन के अंदर ये ट्रिक्स, जैसे कि मैंने बताया, ये कई बार क्या होता है कि उनकी सेटिंग्स चेंज होती है थोड़ी बहुत, तो मैंने जिस इस प्रकार से बताया है आप इस प्रकार से अप्लाई करने के बाद अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में बताया आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप्स हाइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी बच्ची लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद फ्रेंड्स।